केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जालौन के उरई पहुंचे, जहां के टाइन हॉल मैदान में उन्होंने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में जनता को तमाम योजनाओं के जरिए लाभ पहुँचाने का कार्य किया। वहीं उन्होंने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें कि मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जालौन के उरई में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। डिप्टी सीएम के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और कारगर मंत्री धर्मवीर प्रजापति भी जनसभा में शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड पिछली सरकारों में सबसे पिछड़ा इलाका था, मगर जब से 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, पूरे देश में बुंदेलखंड विकास के मामले में सबसे आगे हो गया। सपा बसपा कांग्रेस ने बुंदेलखंड को बर्बाद कर दिया, मगर भाजपा जब से सत्ता में आई तब से डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड का नक्शा बदल दिया। पहले इस इलाके में खनन माफिया, नकल माफिया और शराब माफियाओं का कब्जा था, मगर जब से भाजपा की डबल इंजन की सरकार आई है तब से माफियाओं ने बुंदेलखंड छोड़ दिया है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगर आपने कमल नहीं खिलाया होता तो आप याद करिए 2014 के पहले की बुंदेलखंड की तस्वीर। बुंदेलखंड पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, और आपके आशीर्वाद के प्रताप से जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी बने, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अब बुंदेलखंड को सबसे पीछे नहीं, बुंदेलखंड को सबसे आगे लेकर के खड़ा करने का काम किया है। मेरे भाइयों बहनों, आप सब ध्यान रखना, सपा बसपा कांग्रेस ने मेरे बुंदेलखंड को बर्बाद किया था और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड का विकास किया है, गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया है। बड़े बड़े गुंडे और अपराधी जो जमीनों पर कब्जा करना, मकानों पे कब्जा करना, खनन के माफिया, नकल के माफिया, शराब के माफिया, आज उनकी क्या दशा है ये आपसे छिपी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है इसलिए सुशासन है, भाजपा है इसलिए विकास है, भाजपा है इसलिए गुंडों के ऊपर नकेल है, भाजपा है इसे खुशहाली है, भाजपा है इसे भ्रष्टाचार मुक्त योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है। ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को याद करिए, 2014 से पहले किसी मंदिर में जाते थे क्या, ये राम भक्तों पर गोली चलवाना, शिव भक्तों को जेल में ठूकना। लेकिन याद रखो सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी, आपकी तुष्टीकरण की घटिया राजनीति अब इस देश में प्रदेश में चलने वाली नहीं है। जो नीतीश कुमार जी 23 तारीख को पटना में सबको बुलाए हुए हैं, करे मोदी जी के खिलाफ सब लोग एक हो जाओ, और मैं आपको बता रहा हूं जो पटना में सब